हेलो गाइस सो टूडेज़ वीडियो इज़ ऑल रिलेटेड टू रिवीजन स्ट्रैटेजी रिवीजन टिप्स बोल लो तो आज बेसिकली मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि आपको रिवाइज़ कैसे करना चाहिए और रिवीजन करते वक्त क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखना चाहिए और कैसे आप एक इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो सो फर्स्ट थिंग इज़ क्रिएट टाइम टेबल हम अपना स्टडी का तो टाइम टेबल बनाते हैं दैट कि हम इतने डेज़ में ये कम्प्लीट कर लेंगे चैप्टर या ये पेपर कम्प्लीट कर लेंगे बट हम लोग ये स्ट्रैटेजी uh, बहुत हद तक नहीं बनाते हैं कि हम रिवाइज़ कैसे करेंगे किस सब्जेक्ट को कब करेंगे रिवाइज तो हम लोग को पहले क्या करना है एक अच्छे से टाइम टेबल बनाना है हम लोग को देखना है कि हमारा कितना डेज लेफ़्ट है कितना सब्जेक्ट है उसको अप्रोप्रिएट डिवाइड कर देना है डेज़ डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट्स हैं और फिर उतने उतने दिन पे हमें वो वो सब्जेक्ट रिवाइज करना है पहला हमारा ये होना चाहिए एंड हमें वो रिवीजन उतने डेज पे कंप्लीट करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना वर्क डिले नहीं करें ठीक है एंड थिंग इज आप अगर कुछ भी सब्जेक्ट रिवाइज uh, करना चाहते हो तो आप ये नोटिस करोगे कि अगर वो चैप्टर आप खुद से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ठीक है अगर आप बुक बुक से स्टडी कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगता है या खुद से करते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन वही अगर आप खुद का नोट्स से करते हो तो आपको कम टाइम है ठीक है क्योंकि बुक्स में आपको सारे स्टफ्स पढ़ मतलब सारे चीज़ें सारा टॉपिक पढ़ना पड़ता है लेकिन वही आप खुद के नोट से करोगे तो आपको वो थोड़ा कंसाइज मैनर पर मिलता है तो हमेशा ट्राई करना कि आप अपने नोट्स से ही रिवाइज करो एंड अगर आप जिस टीचर के लेक्चर लिए हो जिस टीचर से क्लासेस करते हो उनका रिविज़न लेक्चर या मैराथन लेक्चर अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है या आपके पास अवेलेबल है तो उससे आप रिवाइज़ करने का कोशिश करना उससे आपका रिविज़न ना जल्दी होता है ये मैंने भी नोटिस किया है मैंने भी किया है अगर खुद से करो तो ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन अगर कोई टीचर के लेक्चर्स देख के करो मैराथन देख के करो तो कम टाइम लगता है और अगर जिस टीचर से आपने क्लास लिया है या जिस टीचर से आप स्टडी करते हो उन्होंने रिविज़न लेक्चर अपलोड नहीं किया मैराथन लेक्चर अपलोड नहीं किया तो डोंट वरी आप क्या कर सकते हो कोई और टीचर के कर सकते हो जिसका आपको समझ में आ रहा है कि हाँ क्या क्या सर रिवाइज़ करा रहे तो आप ये अप्रोच करोगे तो आपको और अच्छे से बेटर वे पे रिवाइज़ होगा एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेलेक्ट द मटेरियल फॉर योर रिविजन आपको किस चीज़ से रिवा, रिवाइज करना है नोट्स रिवाइज करना है चार्ट से रिवाइज करना है या फिर कौन से बुक से रिवाइज़ करना करना है अभी तो मल्टीपल बच्चे बहुत सारे बुक रेफर करते हैं बट मेरा ये कहना है कि बहुत सारे बुक रेफर मत करो आप सिलेक्ट कर लो कि आपको किस बुक से अपना कंसेप्ट समझना है किस बुक से आपको रिवाइज़ करना है और कैसे रिवाइज़ करना है और उसी वे पे रिवाइज़ करो क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि कभी हम लोग ये बुस रिवाइज करें कभी वो बुक से कभी नोट से रिवाइज़ करें तो ऐसे में कभी भी हम लोग को उतना क्लैरिटी नहीं आएगा या तो फिर उतने अच्छे से रिविज़न नहीं होगा तो हम लोग अपना मटेरियल भी जिससे हम रिविज़न करना है वो भी हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए और वो उस मटेरियल पे फिक्स रहना चाहिए नेक्स्ट थिंग इज़ यूज फ्लैश कार्ड्स और स्टिकी नोट्स जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हो आपका पॉइंट को आप कंसाइज uh, कर सकते हो छोटे बना सकते हो या आप अपना मेमोरी टिक डेवलप कर सकते हो उस चीज़ें को याद करने के लिए या उस चीज़ कैसे रिवाइज़ करना है उसके लिए तो आप अपना फ्लैश कार्ड या स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो उससे आपका और बेटर लर्निंग होगा एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डू पास्ट पेपर्स जितने मतलब पास्ट ईयर्स अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको क्या होगा कि आपको सारा रिकॉल होगा आपने जो भी रिवाइज किया जो भी लर्न किया आपको रिकॉल होगा और जितना आप रिकॉल करोगे ना उतना आपका माइंड में और बैठेगा वो चीज़ उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड बहुत सारा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए एंड आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगा एंड आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर मैप मेक मैप अगर आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है तो आप उसका पूरा होल चैप्टर का एक मैप बना लीजिए कि हाँ आपको इस चैप्टर में कितने कितने टॉपिक्स हैं और अगर टॉपिक्स हैं तो उसके सब डिवीजन कितने उसका आप एक मैप बना लो एंड आप अगर मैप बना बना के रिवाइज़ करोगे ना तो आपको और बेटर वे पे आपका लर्निंग रहेगा आपको बेटर वे में याद रहेगा और आपको बेटर वे में रिवाइज़ होगा तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमें दस बार रिविज़न करना है सेवन बार रिविज़न करना है नहीं हम जितना भी रिवीजन कर रहे हैं अगर एक बार भी कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं कि जो दस बार कर करें ना उसके बराबर कर तो हमें एक बहुत अच्छे वे में रिवीजन करना है ना कि सिर्फ हमें टाइम्स गिनना है कि हम कितना रिवाइज करें अरे मेरा तो दस बार रिवाइज हो गया अरे मेरा तो चार बार रिवाइज हो गया नहीं आप कितने अच्छे से रिवाइज़ कर रहे हो ये मैटर करता है ठीक है तो आप उस वे पे करो जिससे आपको हमेशा याद रहे मैप बनाओ स्टिकी कार्ड्स यूज़ करो स्टिकी नोट्स यूज़ करो फ्लैश कार्ड्स यूज़ करो एंड जो भी आपसे हो पाता है सब एक एक बुक पे स्टिक रखो रहो फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करो सारा रिकॉल होगा फिर खुद से रिकॉल करो और कभी भी रिवाइज़ करो ना गाइस तो बुक पे देख के तो कभी भी रिवाइज नहीं करना चाहिए अपनी माइंड में अपना आइज़ क्लोज करके रिवाइज़ करो कि हाँ वो चैप्टर में क्या क्या था क्या क्या टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या है हाँ ये चीज़ का डेफिनेशन क्या है ये कंसेप्ट क्या है अगर आप बिना देखे रिवाइज़ करते हो तो अभी आपको याद रहेगा अगर बुक में देख के रिवाइज़ करते हो तो लगता है कि अरे ये तो हमको याद है ये तो हमको याद है लेकिन क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना तब तो आपको याद नहीं आएगा कि वो क्या था लेकिन अगर आप रिविज़न करते ही वक्त अपना रिकॉल करते हो तो एग्ज़ाम में आपको रिकॉल कर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका ये है इसका आंसर ये है नेक्स्ट इज़ द बोनस स्टेप तो बोनस स्टेप क्या है कि आप जब भी लर्न करते हो ना या जब भी रिवाइज़ करते हो तो सिर्फ आंसर माँ देखो उसका क्वेश्चन भी देखो क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं रिवाइज़ करते हैं तो उनको तो आंसर पूरा याद रहता है लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि उसका क्वेश्चन क्या है और ये एक बार मेरे साथ भी हो चुका है सी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है या, पर मेरे साथ कब हुआ है आ, मैं इलेवन या ट्वेल्व में थी और मुझे उसका आंसर पूरा याद था लेकिन उसका क्वेश्चन ही याद नहीं था और फिर क्वेश्चन आया फिर हमको याद ही नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या था इसका आंसर ही हमको याद नहीं रहा बल्कि वो आंसर हमको याद था लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ही हमको नहीं पता था ना कि क्या है बट आंसर क्या था वो टॉपिक ही नहीं पता था लेकिन अगर डिसएडवांटेज ऑफ दैट तो हमको डिसएडवांटेज पता ही नहीं और क्या उसके नीचे का हमको सारा आंसर पता है सारा पॉइंट पता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है लेकिन वो डिसएडवांटेज ही क्वेश्चन है वो हमको पता ही नहीं तो ऐसा होता है इसलिए क्वेश्चन भी करो कि हाँ ये पॉइंट्स तो ये किस चीज़ का पॉइंट है ये नहीं कि सिर्फ आप पॉइंट्स लर्न करो या पॉइंट्स समझो नहीं क्या चीज़ का पॉइंट्स हम समझ रहे हैं क्या चीज़ का पॉइंट्स हम लर्न कर रहे हैं ये भी माइंड में रखना ओके दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो होप ये सारे टिप्स आपको अपने रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो डी मी ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सन अंडर स्कोर रैस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय